हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम चलने वाले हैं लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में। दुनिया में ऐसी बहुत कम जगह है जहाँ पे आपको डायनासोर के, ब्लू व्हेल के, इस टाइप के और भी रेप्टाइल्स के और एनिमल्स के स्केलेटन्स और पूरे पूरे बॉडी के अवशेष मिलेंगे। वहाँ पे इस टाइप की भी स्पीशीज हैं जो आज एक्सटेंट हो चुकी हैं और हमारे को सिर्फ म्यूजियम्स में दिखती हैं। तो चलो चलते हैं लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और उसको करते हैं एक्सप्लोर। तो घर के पास से हमने पकड़ लिया ट्रेन जुबली और हम जा रहे हैं साउथ कैंसिंगटन स्टेशन। तो हम एंटर कर चुके हैं और एंट्रेंस पे लगा है ये बहुत बड़ा ब्लू व्हेल का स्केलेटन। ये ऑलमोस्ट इस रूम के साइज जितना बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे साइड साइड में और भी स्पेसिफिक वगैरह लगेगा। जस्ट बगल में ये है इतनी बड़ी मछली, ये पूरे ओशन में सबसे तेज तैरने वाली मछली है। ये देखिए कितना सुंदर और कितना बड़ा कोरल लगा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले चलते हैं डायनासोर्स वाले सेक्शन में। जो डायनासोर थे वो रेप्टाइल कैटेगरी में आते थे और 230 से 66 मिलियन ईयर पहले थे। अभी सिर्फ उनके फॉसिल्स बचे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल टाइप के फॉसिल्स डिस्प्ले किए हैं, मैं दिखाते रहता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको इस साइड वाला दिख रहा है वो टी रेक्स का फॉसिल है। सिर्फ सर है, इतना ज़्यादा बड़ा है ये सर कि मतलब कम से कम 6 फुट का सर ही सर है ये वाला। बीच बीच में इन्होंने थोड़े बहुत लाइफ साइज रेप्लिका भी बना रखे हैं, तो वो भी देखने चलते हैं। ये देखिए ऊपर थोड़े छोटे डायनासोर के भी वो पड़े हैं अवशेष। साइड साइड में डायनासोर के बारे में लिखा है, कुछ कुछ इन्होंने क्विज वगैरह भी लगा रखी है ताकि बच्चे देख के वो फिल कर सकें। इस टाइप के रहते थे डायनासोर के अंडे। ये देखिए इनके दांत का साइज और ये इनके टस्क का साइज। यहाँ पे इन लोगों ने ये भी लगा रखा है कि उनके पैरों के अंदर से मसल्स बोन्स कैसी दिखती थी। सबसे ज्यादा मजा तो जो ऊपर रियल डायनासोर स्पेसिमेंट लगे उनको देखने में आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 65 मिलियन ईयर पहले सडनली सारे फॉसिल रिकॉर्ड मिलने बंद हो गए, उससे पहले के कोई और रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने लगा रखा था कि वो ख़त्म कैसे हुए, मतलब उसके बाद रिकॉर्ड मिलने बंद हो गए ना। तो दो इनकी मेजर लीडिंग थ्योरीज हैं कि एक तो ये है कि ऊपर से एक एस्ट्रॉयड गिरा और उसने सारे इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया दुनिया का कि सब ख़त्म हो गए, और दूसरा ये है कि जो हमारा अर्थ का कोर है वो बहुत गर्म हो रहा था तो बहुत सारे वॉल्कैनिक इरप्शन वगैरह हुए जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया और डायनासोर ख़त्म हो गए। यहाँ पे बता रखा है कि कुछ डायनासोर 70 साल जीते थे तो कुछ 130 साल तक भी जीते थे। ये है लाइफ साइज टीरेक्स और वो उसका छोटा बच्चा। Thank you.
काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ था और सारे के सारे मेथड्स भी बताए थे कि इन्होंने फॉसिल्स कैसे निकाले और साइंटिस्ट वगैरह को भी बहुत अच्छे से एट्रीब्यूट किया हुआ था, बहुत अच्छा लगा देख के। तो यहाँ पे सोवेनियर कॉइन्स की मशीन है, दो टाइप के कॉइन्स हैं, एक इस टाइप के और एक टीरेक्स टाइप के। आप 2.5 pound दे दोगे और इस मशीन से कॉइन निकल जाएगा। तो मैं अभी टीरेक्स वाला कॉइन निकालने वाला हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कौन सा निकालना है, तो मैंने टीरेक्स वाला दबा दिया, नीचे सिक्का आ गया। ये देखिए पीछे से ऐसा दिखता है ये सिक्का और आगे से ऐसा, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अब हम जाने वाले हैं दूसरे सेक्शन जो कि है मैमल्स का। तो मैमल्स वो सारे टाइप के एनिमल्स होते हैं जो अंडे नहीं देते, हम भी मैमल्स नहीं आते, तो चलो देखते हैं मैमल्स वाला सेक्शन। काफी सारे टाइप के मैमल्स के बारे में लगा रखा है। ये वो वाले हैं जिनके बच्चे उनके पाउच में रहते हैं पेट में, इसका फेमस एग्जांपल जो हमने देखा होता है वो ये है कंगारू। तो जनरली मैमल्स अंडे नहीं देते, बट इसकी दो एक्सेप्शन हैं। ये हैं वो दो एक्सेप्शन, ये दोनों प्लैटिपस हैं और ये दोनों अंडे देते हैं, बट ये भी मैमल कैटेगरी में ही आता है। ये वो वाले मैमल्स हैं जिनके दांत नहीं होते। ये जो नीचे खड़ा है इसे एंटीटर बोलते हैं, ये चींटी खाता है। और ये देखिए पोलर बेयर। अभी हम जाने वाले हैं डार्विन सेंटर। डार्विन वो साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ऊपर इन्होंने मछलियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, नीचे हिप्पोपोटामस और यहाँ पे ब्लू व्हेल। अभी मैं दूसरी साइड जाके भी दिखाता हूँ। ये देखिए सामने से कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। ब्लू व्हेल का मुंह कम से कम नहीं तो 12 से 13 फुट का है। ये है उसका स्केलेटन और इस साइड में छोटी ब्लू व्हेल का ही। पीछे इन्होंने और मछलियां लगा रखी हैं। कोने में इन्होंने अलग अलग टाइप के राइनोसेरस खड़े किए हुए हैं, देखिए। ये देखिए इस मछली के कांटे देखिए, कम से कम तो ये 6 फुट लंबे कांटे हैं। उधर ये दूसरी मछली के, ये भी 6 फुट लंबे हैं। अभी हम ब्लू व्हेल के पीछे वाली साइड पे आ गए हैं। इधर देखिए बहुत सारे हाथियों के स्पेसिमेन पड़े हुए हैं, ये दांत, उनका स्कल वगैरह, और ये मल्टीपल साइज के हाथी, ये छोटा बेबी, नर मादा सब कुछ पड़ा है यहाँ पे। ऊपर यहाँ पे डॉल्फिन वगैरह हैं, देखिए जो हम दूसरी साइड से देख रहे थे, काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब हम आ गए हैं कैफे में कुछ खाने के लिए। चलो अब चलते हैं फिशेज, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के सेक्शन में। घुसते ही अलग अलग साइज के कछुए लगे हुए हैं, अलग अलग टाइप के हैं ये। मेरे पीछे सांप, मेंढक, ये सब भी लगे हुए हैं, काफी अजीब है। तो आज की दुनिया में टॉप रेप्टाइल है ये एलिगेटर या क्रोकोडाइल। ये इसके ऊपर इसका स्केलेटन भी पड़ा हुआ है। उस वाले के जस्ट पीछे और टाइप के क्रोकोडाइल्स पड़े हुए हैं, अलग अलग टाइप की मछलियां भी लगी हुई हैं यहाँ पे। ये देखिए जेब्रा शार्क कितनी अजीब लग रही है।
जस्ट अंदर कोरल्स पड़े हुए हैं जो वाइट वाले होते हैं वो रिवर से निकाले जाते हैं, और जो कलरफुल होते हैं एकदम वो कोरल सी से निकाले जाते हैं। जनरली जो सी कोरल्स होते हैं जब उनको बाहर निकाल दिए जाते हैं तो उनके कलर्स डेड से हो जाते हैं, बट इनके कलर्स तो अच्छे प्रिजर्व लग रहे हैं। काफी सुंदर सुंदर टाइप के हैं। ये वाला कोरल देखिए कितना ज्यादा सुंदर है। इस साइड क्लैम्स वगैरह पड़े हैं। ये क्लैम कम से कम नहीं तो 4 फुट का है। देखिए जो छोटे क्लैम्स होते हैं वो इस साइज के रहते हैं। ऊपर भी अलग अलग टाइप के शंख और क्लैम्स वगैरह पड़े हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा सुंदर है। म्यूजियम के साइड में इन्होंने ये जायंट स्क्विड लगाया हुआ है। ऑलमोस्ट पूरे के पूरे रूम के साइज का है ये। पूरा का पूरा जो म्यूजियम है वो बहुत सारे जोन्स में डिवाइडेड है, तो ब्लू जोन और ग्रीन जोन हमने पूरा कवर कर लिया। अब हम ऑरेंज जोन की तरफ जा रहे हैं। इस जोन में बहुत सारे टाइप के स्पेसिमेंस पड़े हुए हैं, आप देखिए। ये देखिए कितने टाइप की तितलियां वगैरह लगा रखी हैं इन्होंने। तो अभी हम सीढ़ियों के हल्का सा ऊपर आ गए हैं। यहां से कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है देखिए। सारी विंडोज एकदम चर्च जैसी बना रखी है इन्होंने। और हमारे पीछे तो बैठे हैं चार्ल्स डार्विन। ऊपर ढेर सारा कलेक्शन है पत्थरों का, स्टोन्स का, कोरल्स का, तो वो मैं थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। बट जो मेन व्यू आता है वो आता है ब्लू वेल का, वो दिखेंगे एकदम एंड में। यहाँ इन्होंने अलग टाइप के पत्थर लगाए हुए हैं और बता रखा है कि उससे क्या क्या बनता है। काफी ज्यादा शानदार कलेक्शन है, बहुत ही बड़ी है। कुछ कुछ पत्थर तो वाकई सुंदर है। ये देखिए ये वाला देखिए कितना यूनिक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि पत्थर कैसे लेयर बाय लेयर करके बनता है। अब देखोगे कि अंदर एक छोटी लेयर है, उसके ऊपर लेयर चढ़ 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 के पत्थर बन जा रहा है पूरा। ये वाले देखिए कितने ज्यादा सुंदर है। जो पत्थर रहते हैं वो अलग अलग टाइप से बनते हैं। कोई पहाड़ के लावा से बनता है, कोई अर्थ के सेडिमेंट से बनता है। जो हमने स्कूल में पढ़ा था तो हमने सिर्फ फोटोज देखी थी, और पहली बार इनको रियल लाइफ में देख के समझ आ रहा है कि अच्छा अच्छा ये अंतर है, अच्छा ये लेयर्स हैं इस टाइप से, तो बहुत अच्छा लगा है। अभी तक जो हम पत्थर देख रहे थे वो तो दुनिया के थे, अर्थ के थे। ये वाले पत्थर जो हैं ये ब्रह्मांड से, स्पेस से, बाहर से गिरे हैं, तो ये जो हैं बहुत स्पेशल हैं। देखिए कोई पत्थर में लोहे के हैं, आयरन का कोर है, अलग अलग मटीरियल्स के हैं ये, काफ़ी डिफरेंट है। ये वाला पत्थर देखिए मार्स से गिरा था। ये वाला टोपाज देखिए, ये मेरे हाथ के साइज का है। एकदम टॉप पे ये देखिए ये पेड़ लगा हुआ है, इसकी प्राण 0.5x पे भी नहीं आ रही। ये 1335 ईयर्स पुराना पेड़ है। तो चलो फाइनली चलते हैं ऊपर और देखते हैं ब्लू वेल को एकदम सामने से।
ये देखिए टॉप व्यू कितना ज्यादा शानदार लग रहा है। तो भाई खूब शानदार विजिट रही, बहुत मजा आया, बहुत नई नई चीजें देखी। तो चलो हम लोग मिलते हैं अब नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप बने रहिए। बाय बाय।